आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे का चिवड़ा। यह एक ऐसा सूखा नाश्ता है जिसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कीर्ति कमल ब्लॉग्स पे। जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है ये पोहा, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है ये नाश्ता, क्योंकि स्टोर करके रखना है तो हमने यहाँ पर ये ज़्यादा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्याज का क्या काम है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 प्याज लिए हैं बड़े, जिनको हमने इस तरह से काट लिया है, आप देखिएगा आगे। और ये 7-8 हरी मिर्च हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिए कच्ची मूंगफली, नमक और जीरा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे, और ये गर्म हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, करीब 2 बड़े चम्मच। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं डाल दूंगी कच्ची मूंगफली इसके अंदर। तो इन्हें हमें रोस्ट करना है अच्छे से। चिवड़ा का जो नाश्ता हम बना रहे हैं उसके अंदर ये मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। तो इनको फ्राई करके अच्छे से निकाल लेना है अलग से। यहाँ पर मूंगफलियाँ देखिए लाल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। एक मिनट और इनको चलाना है, लगातार चलाते रहना है। इससे क्या है ये जलेंगी नहीं, और ज़्यादा लाल करने से उसका जो टेस्ट है मूंगफली का वो ख़राब हो जाता है, कड़वापन आने लग जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है इसे। यहाँ पर ये हो चुकी है, अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इन मूंगफलियों को मैं निकाल लेती हूँ अलग प्लेट में। यहाँ पर मैंने सभी मूंगफलियों को निकाल लिया है कटोरी में, और ये अच्छे से भुन चुकी है। अब डाल देते हैं हम इसमें कढ़ाई में जीरा। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा तब हम डालेंगे इसमें प्याज। जीरा अच्छे से चटक गया है, अब यहाँ पे कटे हुए जो प्याज है उनको डाल दीजिए फिंगर। इसी के साथ ये हरी मिर्च है उनको डाल दूंगी इसमें। दो से 3 मिनट तक इसको चलाते रहना है, इसको लाल नहीं करना है हमें, क्योंकि जब हम इसके अंदर पोहा डालेंगे तो पोहा को भूनेंगे उसी के साथ ये भी लाल होता चला जाएगा और एकदम कुरकुरा हो जाएगा, क्रिस्पी, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब 1 से 2 मिनट यहाँ पर हो चुका है इसे भूनते हुए। अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना पोहा। इसको चलाना है। जो तेल हमने सरसों का डाला है वो पूरे में अच्छे से मिल जाए सारे। तो इसको लगातार अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि जो नीचे है वो जले नहीं। कहीं घूमने जाना है, सूखा नाश्ता है ये, तो इससे गिरने का भी डर नहीं रहता है। बच्चों को भी दे सकते हैं, या चाय के संग बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, और इसको स्टोर भी रख सकते हैं हम। एक बार बना के काफ़ी दिनों तक के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसे लगातार पोहे को चलाते रहना है हमें। अब देखिए मैंने यहाँ पर हल्दी नहीं डाली है, काफ़ी लोग नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं इसके अंदर। उससे क्या है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं
थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ इसके अंदर। ये मैं हल्दी डालनी हूँ इसमें, हमने डायरेक्ट नहीं डाली थी हल्दी तेल में, क्योंकि डायरेक्ट डालने से वो जल जाती है, इसीलिए हमने इस वक्त डाली है इसको। इसको अच्छे से चलाते रहना है। थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हल्दी डालने से एकदम कलर चेंज हो गया है यहाँ पर। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, कि ये जब खाएं इसे तो नमकीन लगे, क्योंकि हम नमकीन बना रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्याज इस तरह से है, अभी कच्चा है ये, लेकिन जब हम इसे भूनते जाएंगे और ये भुनता चला जाएगा पोहा, उसके बाद ये प्याज भी एकदम कड़क हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा, और ये ऐसे ही हरी मिर्च भी एकदम कुरकुरी हो जाएंगी। बस इसको ऊपर नीचे करके चलाते रहना है, जले नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा भुनना हो चुका है, भुन रहा है ये। देखिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें, अगर आप थोड़ा बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हैं। तो ज़्यादा है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा इसमें, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा कड़कपन आ गया है। तो यहाँ पर अब ये पोहा हमारा अच्छे से भुन चुका है और ये चूड़ा बन गया है अब अच्छे से। देखिए प्याज भी कितना अच्छे से भुन गया है इसका। जब प्याज इसका भुन गया है तो अब ये ख़राब नहीं होगा, इसलिए अब जब ये इसे हम लोग खाएंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसे थोड़ी देर हम इसी कढ़ाई में रहने देंगे, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको मिक्स करेंगे मूंगफली को इसके अंदर। तो थोड़ी देर अभी हम इस कढ़ाई में इसको रहने देते हैं। यहाँ पर हमारा चूड़ा बनके एकदम तैयार है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और बहुत अच्छे से भुना है इसे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है लेकिन बहुत अच्छे से ये बन गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, देखिए कितना कड़क है ये। और देखिए जो प्याज है वो भी कितने अच्छे से भुन गया है, और हरी मिर्च। अब यहाँ पर हम जो मूंगफली हमने भुनी थी उसको इसी में मिला देंगे। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई भी मीठा यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें, मैंने मीठा नहीं डाला है बिल्कुल भी, और ना ही मैंने किसी तरह का कोई मसाला भी इसमें मिलाया है। बस इसमें सिर्फ नमक है और जीरे से मैंने इसको छौंका था, प्याज हरी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और उसी से ये देखिए कितना सुंदर और अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको एक कंटेनर में भर के हम रख देंगे, और काफ़ी लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होता है दोस्तों। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये चूड़े की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।